कि आज जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है वो ठीक नहीं है देश के। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी से बगावत करने का मन बना लिया है। वो खुल्लम खुल्ला बीजेपी के नफरती एजेंडे के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़ जाए, लेकिन सामाजिक भाईचारे के बीच नफरत का बीज बोने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो टोपी पहने और मजार पे जाए वोट के लिए। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस बात को टंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है वो ठीक नहीं है देश के। बीजेपी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी तो अपने विरोधियों को नजदीक भी फटकने नहीं देते और वरुण गांधी तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछने लगते हैं, बाहर जाकर सामाजिक सद्भावना की बात करने लगते हैं। ये बातें बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। बीजेपी में तो नेताओं के बीच होड़ लगी रहती है कि कौन कितना ज्यादा जहर सामाजिक भाईचारे के बीच घोल सकता है, कौन कितना वोटों के खातिर हिंदू मुसलमान के बीच नफरती खाई को बढ़ाकर ध्रुवीकरण करा सकता है। देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? बीजेपी के नफरती एजेंडे के खिलाफ वरुण गांधी ने बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि गाहे बगाहे बीजेपी को वरुण गांधी घेरने से नहीं चूकते हैं। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के समर्थन में वरुण गांधी उतर आए थे। जब पूरी बीजेपी और ITSL किसान आंदोलन को बदनाम करने में जुटी थी, जब किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा गया, तब वरुण गांधी सीना तानकर किसानों के समर्थन में बीजेपी के सामने खड़े हो गए। और आज जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो वरुण गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कि सांसद और विधायक कमीशन खाते 20%, 30% दुनिया जानती। दरअसल वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के ललौरी खेड़ा ब्लॉक में जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने कहा कि सरकार की बातें फर्जी हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, बल्कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया। वरुण गांधी ने पूछा कि कौन नहीं जानता है कि पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली रकम को उठाने के लिए घूस देनी पड़ती है, कौन नहीं जानता है कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे, लेकिन मैं 4 साल पहले इसी गाड़ी में आपके पास आया था, आज मैं 4 साल बाद इसी गाड़ी में आऊंगा और मैं हो सकता है 4 साल बाद इसी गाड़ी में आपके पास हूँ। जो राजीव गांधी का हवाला देकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उनका सच ये है कि बैंक अकाउंट में पैसे आने से पहले लोगों से सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं और भ्रष्टाचार पर भाषण देते फिरते हैं। वरुण गांधी ने हवाला दिया कि जो लोग राजनीति में बढ़ने के लिए हमारे सामने नाक रगड़ा करते थे, आज उनके काफिले में 5-5 गाड़ियां चल रही हैं। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? जो पहले इतना औकात, जो हमसे कहते थे अरे भैया भैया हमको एक बार मौका दे दो भैया, तो सवाल है कि 5-5 गाड़ियों के काफिले के साथ चलने वाले नेताओं ने पैसा कैसे कमाया होगा? क्या ईमानदारी के पैसों से ऐसा रुतबा पाया होगा? वरुण गांधी ने कहा कि सच तो ये है कि आज जब आप थाने जाते हैं तब भी रिश्वत देनी पड़ती है, तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ कम हुआ? क्या किसी ने कभी देखा हमने कोई कॉलोनी काटी, कोई जमीन है हम पे? क्या हमारा कोई घर है पीलीभीत में आपस में? कोई बड़ा बड़ा मकान है हमारा? हमारे सामने बोलने की औकात नहीं रखते थे, आज सब पीलीभीत के आधा शहर घेर लिया सब लोगों ने। सवाल है कि वरुण गांधी आखिर बीजेपी के खिलाफ बगावत क्यों कर रहे हैं? क्या वरुण गांधी को पता चल गया है कि बीजेपी उनका टिकट काटने वाली है या बीजेपी के खिलाफ बोलने की सजा मिलने वाली है? ऐसे में वरुण गांधी ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अगर ये सच है तो वरुण गांधी कौन सी पार्टी से चुनाव मैदान में आएंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पीलीभीत से पर्चा भरेंगे? वैसे ये सब जानते हैं कि वरुण गांधी पिछले 3 बार से लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने उनको मंत्री नहीं बनाया।
मेनका गांधी के सीनियर होने का लिहाज भी नहीं रखा। जबकि सच ये है कि वरुण गांधी बीजेपी के उन नेताओं में से एक हैं जो हर मौके पर जनता के साथ खड़े रहते हैं। पढ़े लिखे होने के साथ भाषा शैली भी बीजेपी के नफरती नेताओं से बहुत बेहतर है। तो क्या इसीलिए वरुण गांधी बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं, जिसको निकालने के लिए बीजेपी 2024 में वरुण गांधी से किनारा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज़।